Hello friends, today's video is on the topic pest of paddy. जो चावल पे लगने वाले pests होते हैं उन पे आज का हमारा topic है, जो कि है Leptocoryza acuta, या इसे rice bug और rice गांधी bug बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ इसका systematic position. So let's start. Leptocoryza acuta और Leptocoryza varicornis, commonly known as rice bug और rice गांधी bug. जैसा कि आप देख सकते हैं इसका सिस्टमैटिक पोजीशन दिया हुआ है, इसका जिसमें क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली कॉरिडी, जीनस Leptocoryza, स्पीसीज varicornis. ये था इसका सिस्टमैटिक पोजीशन. देन स्टार्ट्स इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पाया जाता है. तो दिस पेस्ट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, भारत में सर्वव्यापी हर जगह फैला हुआ है ये पेस्ट. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ ओरिएंटल रीजन्स के ट्रॉपिकल्स एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स में भी ये प्रेजेंटेड है. इन यूपी, अगर बात करें उत्तर प्रदेश यूपी की, गंधी बग कॉजेज सीवियर डैमेज टू पैडी क्रॉप, घातक डैमेज करता है, चोट पहुंचाता है किन्हें, पैडी क्रॉप्स को, चावल के क्रॉप्स को, अनाज को. फिर आगे नेक्स्ट हेडिंग, इनको कुछ फाइव और सिक्स हेडिंग्स में हम इसे स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया. आगे सेकंड फूड प्लांट क्या है. तो फूड प्लांट वो प्लांट्स जिनको ये फूड के तौर पे यूज़ करते हैं पेस्ट, जिन पे अटैक करते हैं. तो फूड प्लांट में हम देखेंगे इट मेनली फीड्स ऑन पैडी बट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड ऑन मिलेट्स, मेज, बाजरा, जौ, राई, सुगर केन एंड सम ग्रासेस. मीन्स पैडी के अलावा भी ये कुछ अदर क्रॉप्स पे भी क्या करते हैं, तो अटैक कर सकते हैं. जैसे मिलेट से मेज है, बाजरा, ये सारे अदर ग्रासेस हैं, उन पे भी अटैक करते हैं. देन थर्ड हेडिंग जो हमें स्टडी करनी है, यहाँ है जनरल अपीयरेंस, मतलब कि राइस गंधी बग दिखता कैसा, इसका अपीयरेंस कैसा है. तो देखेंगे इसमें दिस इज़ ग्रीन और लाइट ब्राउन इन कलर एंड अबाउट 20 मिलीमीटर इन लेंथ, हरा या हल्के कत्थई कलर में भी दिखाई दे सकता है, 20 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है. अकॉर्डिंग टू इट्स नेम गंधी, इट इमिट्स ए स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल. जैसा कि इसका नाम है गंधी, इसमें से ये एक अनप्लीजेंट स्मेल भी इमिट करता है, रिलीज करता है. आगे इट हैज़ लॉन्ग लेग्स, लंबे पैर होते हैं, फोर जॉइंटेड एंटीनी, चार जॉइंटेड क्या होते हैं, एंटीनी होते हैं, थ्री जॉइंटेड टर्सी प्रेजेंटेड होते हैं इसकी बॉडी में. दे आर वेरी एक्टिव इन मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स. द एब्डोमेन ऑफ द फीमेल इज स्लाइटली स्वोलन एट द अपेक्स. मीन्स ये एक्टिव कब होते हैं, तो सुबह के समय और शाम के समय. फिर आगे क्या बताया गया कि फीमेल को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो उनको हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनका एब्डोमेन जो होता है वो स्लाइटली स्वोलन होता है, अपेक्स पे स्वोलन होता है, थोड़ा फुला हुआ होता है. देन फोर्थ हेडिंग इज़ द डैमेजेस, क्या क्या डैमेजेस ये कॉज करते हैं. तो इसमें देखेंगे दिस इज़ अ मेजर पेस्ट ऑफ राइस एंड अटैक्स द पैडी फील्ड एट द मिल्की स्टेज. मीन्स ये पैडी फील्ड पे, पैडी के क्रॉप पे अटैक करता है उसके मिल्की स्टेज पे ही, और बहुत ज़्यादा क्या करता है, सीवियर डैमेज कर देता है. फिर देखेंगे द निम्फ एंड एडल्ट बोथ सक द ज्यूसेस फ्रॉम डेवलपिंग ग्रेन्स इन मंथ ऑफ अगस्त टू अक्टूबर एज अ रिजल्ट. मीन्स अगस्त और अक्टूबर के महीने में जो निम्फ और एडल्ट होते हैं वो दोनों ही ग्रेन्स में से क्या करते हैं, मिल्की स्टेज में ही जूस जो होता है उसको शक कर लेते हैं. एज अ रिजल्ट, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ईयर्स बिकम वाइट एंड डू नॉट फॉर्म द मैच्योर ग्रेन्स. जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेन्स जो होते हैं वो मैच्योर ही नहीं हो पाते, और वो क्या होता है कि उनके जो ईयर्स होते हैं वो वाइट दिखने लगते हैं. और आगे क्या बताया गया कि द अटैक्ड सीड आर मार्क्ड बाई ब्लैक स्पॉट ऑफ फंगस विच अपीयर्स अराउंड द पंक्चर्ड पॉइंट. मीन्स वो सीड्स जिन पे पेस्ट्स का, राइस बग का अटैक हो चुका है, उन पे मार्क हो जाते हैं ब्लैक स्पॉट्स, काले काले धब्बे लग जाते हैं फंगस के
जो दिखाई देता है पंक्चर्ड प्लांट्स पे, उन प्लांट उ सॉरी उन पॉइंट्स पे दिखाई देता है जहाँ पंक्चर्ड किया गया होता है, वहाँ फंगस लग गए होते हैं। तो ये था डैमेज। देन हम इनका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर है, इनकी लाइफ हिस्ट्री को दिखाया गया है। यहाँ की एग है, एग्स इन लीफ पे ही अपने एग्स को ले करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज है इनका निम्फ, एंड फाइनली इट्स एडल्ट स्टेज इज हियर। देन अब हम देखेंगे इनका लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री कैसा है इनका? इट ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर एंड अटैक्स पैडी क्रॉप इन मंथ ऑफ अगस्त टू अक्टूबर। मीन्स इनका जो इनमें ब्रीडिंग जो होती है वो पूरे साल होती रहती है, और इनका अटैक करने का जो प्रोसेस होता है वो अगस्त टू अक्टूबर के मंथ में ही होता है, अगस्त से अक्टूबर मंथ में ही होता है। फिर आगे द एडल्ट फीमेल जो होती है ले अबाउट 24 to 30 एग्स इन रो ऑन लीव्स, ईच रो हैव 6 to 20 एग्स। मीन्स जो एडल्ट फीमेल की बात करें वो 24 to 30 एग्स के रो में अंडे देती है, 24 to 30 एग्स के रो में अंडे देती है। और ईच रो प्रत्येक रो में मीन्स 24 से 30 अंडों का ये रो होता है, प्रत्येक रो में क्या हो रहा है कि 6 to 20 एग्स होते हैं। ईच रो हैव 6 to 20 एग्स ऑन द लीव्स, पत्तियों पे ही, पैडी के लीव्स पे ही। फिर आगे द एग्स आर ब्लैक, अंडों के कलर की बात करें तो ब्लैक होते हैं कलर में, ओवल होते हैं, फ्लैटनेड, हैविंग कॉनकेव मार्जिन, उनका उनका किनारा जो होता है वो कॉनकेव होता है, कॉनकेव मार्जिन। फिर आगे दीज एग्स आर फिक्स्ड ऑन द लीव्स, अंडे जो होते हैं वो पत्तियों पे ही फिक्स्ड होते हैं। कैसे फिक्स्ड होते हैं? तो बाई अ गमी सब्सटेंस सिक्रेटेड बाई देम। एक गमी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है जो राइस बग के द्वारा ही सिक्रेट किया गया होता है, स्रावित किया गया होता है। फिर क्या है, इट इज़ अबाउट 1 मिलीमीटर इन लेंथ, अंडों की बात करें तो 1 मिलीमीटर इन लेंथ में होते हैं। आफ्टर 6 to 7 days ऑफ लेइंग, माने अंडे ले हो जाते हैं उनके 6 से 7 दिन बाद क्या होता है कि एग्स हैच इंटू यंग निम्फ, अंडे यंग निम्फ में हैच हो जाते हैं, विच आर पेल ग्रीन, मीन्स ये हल्के पीले हरे रंग के होते हैं। लॉन्ग लेग्ड लंबे पैर एंड डेवलप एंड सॉरी एंड डिवाइड ऑफ विंग्स, इनमें विंग्स नहीं होती हैं। विद इन फिर आगे देखेंगे, विद इन 15 to 18 days यंग निम्फ ग्रो टू बिकम एडल्ट। माने क्या हो रहा है कि यंग निम्फ जब हैच होते हैं तो उसके 15 से 18 दिन बाद ये निम्फ जो होते हैं वो एडल्ट में एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं। फिर एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान निम्फ पास थ्रू 6 stages इन इस प्रोसेस, माने निम्फ से एडल्ट बनने में 6 stages को पास करते हैं निम्फ्स। फिर आगे देखेंगे इसमें, इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं क्या हो रहा है कि अंडे जब ले होते हैं, अंडे दिए जाते हैं तो उनको अंडों को 6 से 7 दिन लगते हैं हैच होने में, हैच होके वो 6 से 7 दिन बाद हैच होके निम्फ में कन्वर्ट होते हैं। निम्फ से एडल्ट बनने में 15 से 18 दिन का समय लगता है, और इसमें ये 6 stages के थ्रू होके गुजरते हैं। फिर आगे देखेंगे, द लाइफ स्पेन ऑफ एडल्ट बग इज़ ऑफ 33 to 35 days, मीन्स 33 से 35 दिन का इनका लाइफ स्पेन होता है। द निम्फ एंड एडल्ट आर फाउंड क्लस्टरिंग ऑन द पैडी क्रॉप, निम्फ और एडल्ट दोनों की बात करें तो ये क्लस्टर झुंड में पाए जाते हैं पैडी के क्रॉप पे। फिर आगे 5 generations हैव बिन रिकॉर्डेड इन पैडी ग्रोइंग सीजन, पैडी के ग्रोइंग सीजन में अगर बात करें तो इनके 5 generations को रिकॉर्ड किया गया है, पैडी ग्रोइंग सीजन में इनके 5 generations को रिकॉर्ड किया गया। फिर आगे द होल लाइफ साइकिल इज़ कम्प्लीटेड, इनका जो होल पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है वो कम्प्लीट होता है, इज़ कम्प्लीटेड इन 4 to 5 weeks, मीन्स 4 से 5 सप्ताह में इनका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो होता है वो कम्प्लीट हो जाता है, 4 से 5 सप्ताह में। फिर आगे क्या दिया, दिस पेस्ट मल्टीप्लाइज फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, हाइबरनेट्स फ्रॉम दिसंबर टू फेबररी एंड फीड्स ऑन ग्रासेस फ्रॉम मार्च टू जून। ये क्या है, ये एकदम सिंपल प्रोसेस है, इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि दिस पे यह जो पेस्ट है, यह जो पेस्ट है ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई अपने संख्या को कब कब बढ़ा रहा है, जुलाई टू नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर, जुलाई टू नवंबर अपने संख्या को बढ़ा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर नवंबर के बाद क्या था, दिसंबर, तो दिसंबर से फरवरी तक ये हाइबरनेट करता है। हाइबरनेट मीन्स ये
असक्रिय रहता है उस टाइम दिसंबर से फरवरी तक, क्योंकि वो विंटर सीजन होता है तो हाइबरनेट करता है दिसंबर से लेके फरवरी तक। फिर क्या हो रहा है कि फरवरी के बाद आता है मार्च, तो मार्च से लेके जून तक ये फीड करता है ग्रासेस पे फीड करता है। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जून के बाद आती है जुलाई, जुलाई से फिर नवंबर में इनका मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद दिसंबर से फरवरी तक इनका हाइबरनेशन चलता है। फिर फरवरी के बाद जैसे ही मार्च आता है, और मार्च से जून तक ये फिर फीड करते हैं ग्रासेस पे। तो ये पूरा साइकिल इनका थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। तो ये थी इनकी लाइफ साइकिल। और प्रिवेंशन, इनसे बचाव और कंट्रोल इन पे कैसे करें, तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है कि इंसेक्ट शुड बी पिक्ड अप बाई हैंड नेट एंड किल्ड बाई स्ट्रॉन्ग क्रूड ऑयल इमल्शन। मीन्स इनको हैंड नेट से इन्हें पिकअप करना चाहिए, उसके बाद इन्हें स्ट्रॉन्ग तगड़े क्रूड ऑयल के इमल्शन से इन्हें किल्ड करना चाहिए, मार देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्प्रेइंग ऑफ क्रूड ऑयल इमल्शन विच फॉर्म थिन फिल्म फिल्म ऑफ ऑयल रिजल्टिंग इनटू किलिंग ऑफ बग्स एंड निम्फ। मीन्स क्रूड ऑयल का इमल्शन बना के उसको अगर हम स्प्रे भी कर दें क्रॉप पे, तो क्या होता है कि पतली पतली फिल्म बना लेती हैं, लेयर्स ऑयल्स की लेयर बन जाती है, जिससे कि निम्फ और जो बग्स होते हैं वो डेथ कर जाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट, पेस्ट शुड बी अट्रैक्टेड बाई लाइट ट्रैप एंड डिस्ट्रॉयड। मीन्स अगर हम इन्हें चाहें तो लाइट का ट्रैप बनाएं, और इन्हें हम उससे भी, चूंकि उससे वो अट्रैक्ट होते हैं, लाइट से ये पेस्ट जो होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं। तो जैसे कहीं हम आग जला दें, या कोई ऐसा कोई मतलब कहीं आग लगा दें, उससे क्या होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ये पेस्ट, तो उससे जाके वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसमें जल जाएंगे। फिर क्या फोर्थ पॉइंट, 0.25% BHC डस्ट शुड बी स्प्रेड बिफोर पैडी ग्रोइंग एरियाज। मीन्स अगर आप चाहें तो पैडी ग्रोइंग का जो एरिया है वहाँ पे उसको ग्रो कराने से पहले ही फील्ड में, उस एरिया में 0.25% BHC का घोल जो है वो आप इस क्या कर सकते हैं, छिड़काव करा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं वहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट, डस्टिंग भी कर सकते हैं पैडी फील्ड का बाई 2.5% एल्ड्रीन से करें, या 5% क्लोरडेन से करें। फिर है एंड 5 to 10% BHC से, बेंजीन हेक्साक्लोराइड से करें। हैज़ बीन हेल्पफुल टू कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ये आपको पेस्ट से राइस गंधी बग से क्या करेगा, कंट्रोल उनको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। ये थे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पेस्ट ऑफ पैडीज, जिसमें हमने लेप्टोकोराइजा एक्यूटा, या इसे राइस गंधी बग या राइस बग भी कहते हैं, इस पे हमने आज चर्चा की।